आशीष वाजपेयी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एससी वर्मा की सोल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 50 और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं चैप्टर नंबर 29 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। उससे पहले अगर आपने मुझे अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म में अभी तक जो है फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लें, बिकॉज देर आर मोर देन 800 लेक्चर्स गाइज, जिनको पढ़ के आप बहुत ही अच्छे से मैथ्स को समझ सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड में लेक्चर्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहाँ पर आप जाके जो है किसी भी कोर्स को जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50th। तो गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इसी प्लेलिस्ट यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप इन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग से। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे और देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला जा रहा है एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज अ मास ऑफ 40 grams। ठीक है, तो जो जो गिवन है मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर, आप क्वेश्चन को बुक से पढ़िए। तो मास दिया गया है गाइस 40 ग्राम का मास है, किसका? बॉब का। ठीक है, बॉब का मास है 40 grams एंड पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज गाइस क्यू पॉजिटिव है, उसका चार्ज दिया है 4×10⁻⁶ कूलम, यस, एंड इट मेक्स 20 oscillations और वो 20 oscillations कर रहा है, 20 oscillations और कितने टाइम में 20 oscillations कर रहा है गाइस, वो 20 oscillations इन 45 seconds में कर रहा है। ठीक है, और अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड एंड ऑफ मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अपवर्ड की तरफ है 2.5×10⁴ न्यूटन पर कूलम, जे वेक्टर बोल देता हूँ मैं इसको। हाउ मच टाइम विल इट नाउ टू कंप्लीट 20 oscillations, अब जो है 20 oscillations को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी थी तो यू नो कि फॉर्मूला होता है T=√2πL/g। तो गाइज ये फॉर्मूला क्यों होता है, बिकॉज जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो बहुत ही सिंप्लीफिकेशन करके हम लोग ये सोच रहे हैं जी नीचे कर रहा है तो ये हमारा जी होता है। एक्चुअल में फॉर्मूला जो होता है टाइम पीरियड का, इसको अगर मैं T1 बोलूँ तो जो नेक्स्ट टाइम पीरियड आएगा दैट कैन बी रिटन एज 2πL g effective, यानी कि एक्चुअल में क्या जी लग रहा है दैट इज जी इफेक्टिव। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को टाइम पीरियड को रेशियो में लूँ तो 2π कट जाएगा यहाँ पर और एल से एल भी कट जाएगा, तो बेसिकली दिस विल बी जी इफेक्टिव अपॉन जी हो जाएगा, जी इफेक्टिव अपॉन जी। ठीक है, तो कुछ भी रेशियो में, बिकॉज इनका 20 ऑसिलेशन है अगर, तो T1 का अगर मैं 45 सेकेंड्स रन देता हूँ, 45 सेकेंड्स रन देता हूँ, तो मुझे T2 पता करना है। तो T2 के लिए इक्वेशन आपका हो जाएगा, अगर मैं इधर भेजूँ तो 45√g/g effective। तो ये है बेसिकली हमारा आंसर। तो यहाँ पर अब बात है कि g effective कितना है, बिकॉज everything is very clear कि क्या करना है हमको। T1 ये है और G क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अपवर्ड की डायरेक्शन में, जिसके कारण जो है इसका एक्सिलरेशन चेंज हो गया, लेंथ तो चेंज नहीं होगा, इस दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, एक लेंथ पे और एक उसके एक्सिलरेशन पे। तो एक्सिलरेशन यहाँ पर G पहले था, अब G इफेक्टिव हो गया, तो बेसिकली आई हैव टू पुट द वैल्यू हियर और बाकी की सारी कैलकुलेशन फिर हो जाएंगी। अब G इफेक्टिव क्या होगा, अब G इफेक्टिव क्योंकि देखिए जी इधर काम कर रहा है नीचे की तरफ, ध्यान दीजिएगा जी नीचे की तरफ काम कर रहा है और एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ काम करने लगा है, यानी कि अब मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज जी बाई ए, कितना है जी बाई ए। इससे ये क्लियर हो गया कि टाइम पीरियड हमारा बढ़ेगा। ठीक है, अगर मेरे पास ऑप्शंस होते तो मैं अन्य ऑप्शंस के बारे में सोचता जिनमें टाइम पीरियड बढ़ेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर यहाँ पर कम हो गया है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ए क्या है, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो QE/m लास्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं हम लोग,
तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस क्यू को और इस ई को, तो दैट विल बी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 4 एंड द मास इज 40 ग्राम्स, दैट इज 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 केजी हो गया। अब 2.5 क्या हो गया, 10 हो गया, और ये 10 की पावर माइनस 2 हो गया एंड दिस इज 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, इतना हो गया, ये कैंसिल हो गया एंड ये ऊपर जाएगा तो दैट विल बी 1/4 एंड दिस इज 10/4, तो बेसिकली कितना आ गया 10/4। तो ये मेरा जी इफेक्टिव है गाइस, ए है ये, दैट इज 10/4, तो यहाँ रख देते हैं और एक काम करते हैं इसको 10 ले लेते हैं, जी को क्या लेंगे 10 ले लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 10 माइनस 10/4, ठीक है, 10 माइनस 10/4, तो दैट विल बी 30/4, तो ये 30 हो जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा जिसकी वजह से कट जाएगा, सो दिस इज √4/√3। तो टाइम पीरियड निकालते हैं, अब √4 मतलब 2 हो गया और ये है आपका √3, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर दीजिए तो दिस विल बिकम 3 नीचे, तो ये 15 यानी कि 30 √3 यानी 1.7321, ठीक है, तो 17 3 51, तो नियर अबाउट टाइम 2 इज 52 सेकेंड्स, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन हो गई गाइस, दैट इज 52 सेकेंड्स, यू कैन चेक आउट द आंसर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से आपने क्या किया, केवल t इज इक्वल टू 2πL/g में आपने g को g माइनस a किया और a क्या था QE/M और a की वैल्यू आपने अच्छे से स्ट्रेटेजिकली निकाल ली है। एंड नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 51 गाइस। So let's start question number 51 guys, and half century has been completed out of 75 questions. Now we are on 51st question. It's a marathon chapter. 75 questions are there guys. अब देखें यहाँ पर क्या दिया है, question पढ़िए आप और समझने की कोशिश करिए कि क्या situation है, क्या चाहिए उनको, ठीक है भाई। A block of mass m, there is a block of mass m and having a charge q, so it has a charge q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज q है इसके ऊपर, बहुत ध्यान से समझिएगा, is placed on a smooth horizontal table, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इसमें, and is connected to a wall through an unstressed spring of a spring constant k as shown in the figure, so you can see the figure here, a horizontal electric field E parallel to the spring is switched on, find the amplitude of the resulting SHM of the block, तो ठीक है समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन आप भी पढ़ रहे होंगे, तो देखिए स्प्रिंग है और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज के, के है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गाइस, और ये मास एम है, तो क्या था ये शांति से बैठा हुआ था चार्ज, लेकिन इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज था, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो व्हाट विल हैपन कि ये चार्ज जो है चलने लगेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक्सेलरेट करेगा, लेकिन व्हाट विल हैपन गाइस, जैसे ही चलने की कोशिश करेगा जो हमारा ये स्प्रिंग है ये क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा, इट विल स्टार्ट रेजिस्टिंग, ये नहीं जाना चाहेगा, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन कि ये कुछ यहाँ तो बिल्कुल स्टेट ऑफ रेस्ट पे था, तो ये कोई जगह आएगी जहाँ पे मैक्सिमम होगा और फिर यहाँ पर, और इसके बाद ये एक ऐसा पॉइंट आएगा गाइस जहाँ पर अब इसके आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि जो फोर्स इस समय गाइस kx लग रही होगी, kx नॉट मैं बोल देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पर, वेलोसिटी जीरो है और qe यहाँ पर लग रहा है, qe तो हर जगह बराबर है, ऐसी सिचुएशन है देखिए आप, तो आप समझ रहे हैं यहाँ रेस्ट पे था, ऐसे ऐसे जाने लगा तो स्पीड इसकी बढ़ रही थी, ये इसको धीरे धीरे क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है मोशन को, ये रोकना चाहता है बिकॉज ये स्ट्रेच नहीं रहना चाहता है, फिर क्या होगा एक मैक्सिमम स्पीड आएगी, इसके बाद अगर फोर्स बढ़ने लगी है तो ये रोकना शुरू करेगी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और क्या हुआ होगा गाइस उस समय जो क्यू ई है और जो के एक्स नॉट है, एक्स नॉट यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, बिकॉज व्हाट हैपेंस
एम्पलीट्यूड आपका हाईएस्ट जो हम लोग जाते हैं मीन पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन पे हम लोग जो जाते हैं, यहाँ तक मीन पोजीशन गाइस, वहीं पर तो स्टोर था, वहाँ से लेके यहाँ तक जो जा रहे हैं सिचुएशन गाइस, आखिरी में जो पहुँचता है और वेलोसिटी इसका जीरो हो जाता है, उस समय मैक्सिमम इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है इसका फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मैं इसको ए भी लिख सकता हूँ के। अब इधर फोर्स जो लग रही है दैट इज के एक्स फोर्स लगती है, आपको पता ही है, और दिस इज अपोजिट टू क्यू ई। सो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली कि इधर आपका के एक्स लग रहा है और इधर क्यू ई लग रहा है, ठीक है, और ये जो है इस समय बिकॉज वेलोसिटी जीरो है तो ये इसका हाईएस्ट पोजीशन पे लगा लीजिए, बी जीरो है तो यानी दोनों बराबर हो जाएगा। तो आई कैन से कि के ए इज इक्वल टू क्यू ई, तो एम्पलीट्यूड निकालना है दैट विल बी क्यू ई बाई के, ठीक है, नोट करिए गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड कि क्यू ई जो है के एक्स के बराबर हो गया है जिस पॉइंट पे, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ पर पूरा सिचुएशन दिया गया है। अ ब्लॉक ऑफ मास m, ये जो ब्लॉक है गाइस इसका मास m है, ठीक है, कंटेनिंग अ नेट पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज q है, और इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन विच टर्मिनेट्स इन अ वर्टिकल वॉल एज शोन इन फिगर, देयर इज अ वर्टिकल वॉल ऑल्सो इट इज सिटिंग ऑन दिस। फिर द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वॉल इज डी, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लॉक टू द वॉल इज डी। अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट इज स्विच्ड ऑन, ई को स्विच ऑन किया हमने, अज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजंस इफ एनी, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन, इज इट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले ये कई बार बात हो चुकी गाइस कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, तो गाइस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैंने आपको बताया कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए, ठीक है, और क्या बताया आपको कि एफ जो है वो इनवर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगना चाहिए, ठीक, एक एक्सिलरेशन जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए, और साइनोसाइडल होना चाहिए, वेलोसिटी साइनोसाइडल होनी चाहिए, एक्सिलरेशन होना चाहिए सब साइनोसाइडल, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है गाइस वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होना चाहिए, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गाइस। और एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आप पहचाने कि कोई रेजिस्ट कर रहा है क्या इस मोशन को, सबसे बड़ी बात जो फिजिकल बात है, सब मैथमेटिकल बात है, लेकिन आपको अगर फील करना है कि कोई चीज़ SHM होगा कि नहीं होगा, उसमें आपको एक फील आना चाहिए, कि फील ये होना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपको कोई कुछ करने से रोक रहा है, तब जो है क्या होता है, तब SHM होता है विद सच कंडीशंस। और अगर आपको लगे कि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, तो वो तो 100% SHM नहीं हो सकता है, ठीक। जैसे कि अभी स्प्रिंग था, आप स्प्रिंग को जैसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो स्प्रिंग आपको इतने आसानी से नहीं जाने देगा, उसका फोर्स जो है अपोज करने लगेगा उसको, समझ में आ रही है आपको बात। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही शांति से रखा हुआ था, फ्रिक्शन तो था ही नहीं, जैसे इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो फोर्स किधर की तरफ लगने लगेगा, तो क्यू ई फोर्स इस पर लग गया इधर, और इस पर गाइज एक भी फोर्स नहीं है जो रेजिस्ट कर रहा है इसको, ये सिंपल यहां से यहां तक जाएगा गाइस। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था और इसका एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, व्हाट आई कैन से कि इसका क्योंकि एक्सिलरेशन कांस्टेंट, एक्सिलरेशन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पे एक्सिलरेशन नहीं डिपेंड कर रहा है, बिकॉज ए आप निकाल सकते हैं दैट इज क्यू ई बाई एम एफ अपॉन एम, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो वहां से ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो एक्सिलरेशन आपका कॉन्स्टेंट, तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट तो SHM तो हो ही नहीं सकता, 100% नहीं होगा, समझ गए आप, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, आपको फील ही नहीं आ रहा है कि कोई रोक भी रहा है इसको, ओके, तो ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, सोचिए आप, सोचिए टाइम पीरियड कैसे निकालें, बिकॉज ऑसिलेटरी मोशन तो है, टाइम पीरियड निकालेंगे हम लोग। अब देखिए ये यू जीरो रहेगा, एक्सेलरेशन की वजह से कुछ जाएगा, उससे टकराएगा, कुछ वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, जितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से, इसकी जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में वो सेम ही रहेगी,
अब क्या होगा, फोर्स अब भी उल्टा लग रहा होगा इसके ऊपर, वो इसको क्या करेगा गाइस, इसको यहाँ ला के फिर से जीरो पे रोक देगा। जैसे ग्रेविटी करता है, हम लोग ऐसे फेंकते बॉडी को तो ऐसे जाती है फिर नीचे लेके आती है ना, तो सेम ही टाइम लगता है, बिकॉज जो एक्सेलरेशन जाने में लगा था वही एक्सेलरेशन आने में भी लगा है, जस्ट अपोजिट साइन है उसका, तो बिल्कुल सिमेट्रिक रहेगा मोशन। तो यहाँ से चला था, यहाँ से टकरा के फिर यहीं आ जाता है, यानी कि अगर मैं इधर का टाइम टी लूँ तो जो हमारा टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2t। अब बहुत ही आसान है, s इज इक्वल, बिकॉज एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। आपको पता है कि न्यूटन्स जो इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको तभी लगा सकते जब हमारा एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो, तो इसलिए s इज इक्वल टू हाफ प्लस 80, बिल्कुल बच्चों की तरह लगा सकते हैं इसको। यहाँ पर u जीरो है तो s इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, d दे रखा है ये s, ये हो गया। टाइम क्या हो जाएगा बताओ फटाफट, 2d बाई a का रूट, इसको डबल करना है तो 2 भेज दो अंदर, तो 2 गया, यहाँ बन गया 8, तो 8d। a क्या रखूँ बताओ, a qe बाई m, यहाँ रखो QE और यहाँ रखा M, ये हमारा टोटल टाइम पीरियड ऑसिलेटरी मोशन का। अब इसको ढंग से लिख दो जिससे आंसर हमारा मैच कर जाए। तो आई होप कि क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन नंबर 52, आई थिंक 51, यस 52nd क्वेश्चन इज दिस। लेट्स मूव टू नाउ क्वेश्चन नंबर 53। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, प्लीज राइट इट डाउन। तो चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम इज एग्जिस्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट 50 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हाइट हमारी 50 सेंटीमीटर अप होती है तो हमको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने पे पोटेंशियल कितना बढ़ता है वो हमें निकालना है। ओके, तो अंडरस्टैंड दिस, बड़ा ही सिंपल मैं आपको बताता हूँ एक सिस्टम इसके अंदर, कि जो W है दैट इज Q इंटू V, डेल्टा V, वर्क डन इज वॉट Q इंटू W, वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट ds, ठीक है, और ये है Q डेल्टा V। समझिएगा बहुत ध्यान से, F क्या है यहाँ पर, QE डॉट ds इज इक्वल टू Q डेल्टा V, Q Q कैंसिल हो गया, तो E डॉट ds इज इक्वल टू डेल्टा V, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए डाउनवर्ड्स है और ऊपर जाने पर देखिए पोटेंशियल तब इंक्रीज करता है, कब इंक्रीज करता है गाइस पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए आपका ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रही, आप इसी से कंसीडर किया करें, और नीचे हैं तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, बेसिकली आई कैन से कि आपकी पोटेंशियल बढ़ रही है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ की भी सिचुएशन है, देखिए ई आपका नीचे काम कर रहा है, यानी बेसिकली क्यू ई बाई एम एक तरीके से एक्सिलरेशन है जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो आप जब ऊपर जाते हैं तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज चलता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी पोटेंशियल इंक्रीज होती है। यू कैन सी दिस फ्रॉम हियर, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक। अब देखिए ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, तो जो भी चेंज हुआ है वो बस आपको ई डॉट डी एस करना है अगर ई कॉन्स्टेंट है, नहीं तो हमें इंटीग्रेशन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ई कितना है 10, अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं हाइट की डायरेक्शन, तो कॉस थीटा तो लगेगा नहीं और कितना सेंटीमीटर गाइस 50, मतलब कि 50 बाई 100 काटा पीटी कर दीजिए यहाँ पर, तो दिस इज 5 वोल्ट। सिंपल समझ में आ गया गाइस, तो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। चलिए गाइस देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या क्या दिया गया है एंड व्हाट नीड्स टू बी डन।
तो 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक, 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी. तो ए पॉइंट ये है गाइस और बी पॉइंट ये है. ए से बी, तो ए से बी ले जाना है मतलब इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपोजिट में, तभी तो वर्क डन करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो इधर की तरफ फोर्स लगा रही है और यू वांट टू मूव इधर की तरफ, तो यू हैव टू डन द डू द वर्क दिस साइड. ठीक है, तो 12 जूल आपने वर्क किया अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.0 कूलम फ्रॉम ए टू बी. हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए. तो समझिएगा गाइस, तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के आप अपोजिट जाते तो आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, आपका पोटेंशियल इंक्रीज करता है पॉजिटिव चार्ज को ले जाने पर. इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेंगे तो याद रखिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज. तो W इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए. तो हायर पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, तो दिस इज वी ए. Change in potential will be positive because you are moving opposite to the electric field. You are moving opposite to the electric field. That's why it will be VB minus V. Otherwise, you can make minus sign also. जब objective question आएगा, तो उसमें plus minus दिया रहेगा. ठीक है? तो अब देखिए, 10 की power minus 2 into delta V, मैं इसको बोल देता हूँ. और work है आपका 12. तो बताइए, बड़ी आसान है. तो delta V is equal to 12 upon 10 की पावर माइनस 2, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 1200 वोल्ट. ठीक है गाइस, तो डेल्टा वी कितना हो गया, 1200 वोल्ट आपका आंसर आ गया. तो गाइस नोट कर लीजिए इसको. एंड गाइस इसी तरीके से आप वीडियोस को देखते रहें, पसंद करते रहें और साथ में लाइक करें और साथ में कमेंट जरूर करना, बिकॉज आपके कमेंट्स की वजह से ही मैं आता हूँ. यू कैन सी कि ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं है, यू नो, आप थोड़ा शेयर भी करें सो दैट द व्यूज़ कैन बी इंक्रीज. ठीक है गाइस, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप कमेंट करते रहेंगे और मुझे लगेगा कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वर्क, तो फिर मैं लगातार करता रहूँगा. ठीक है, तो देखिए अब करते करते हम लोग काफ़ी पहुँच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 54 तक हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस. और गाइस अपने एग्जाम्पल्स, जैसे कि अभी मुझे पता चला है 10th एग्जाम्पल करना है, 18th करना है, 13th करना है, इसी तरीके से अगर आपको किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिखते जाइए उनको. ठीक है, और एक लास्ट लेसन जब होगा 75th, तो उसमें लिख दीजिएगा गाइस, देन आई विल स्टार्ट डूइंग द एग्जाम्पल, सो दैट कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना रहे जो आपको समझ में ना आ रहा हो इन दिस सेक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. तो सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से मेहनत करते रहे एंड खूब सारे क्वेश्चन करते रहे गाइस. थैंक यू, बाय.